हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। लास्ट टाइम हमने बात की थी सात फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में, कि क्या है हमारे सात फंडामेंटल क्वांटिटीज़, कौन कौन सी हैं। इन केस आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं डायमेंशंस के बारे में, कि क्या होते हैं हमारे डायमेंशंस एंड उसके यूनिट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन फॉर्मूला आपसे पूछ सकते हैं, या फिर आपसे पूछ लें ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की यूनिट क्या है। सो काफ़ी सारे क्वेश्चन पुट हो जाते हैं डायमेंशन से ही। इस टाइप के सभी इंपॉर्टेंट जो भी फॉर्मूले हैं वो सब हम इस वीडियो में डील करेंगे, एंड सभी के डायमेंशनल फॉर्मूले की हम लिस्ट तैयार कर लेंगे। मोस्टली को हम वीडियो में ही डील करेंगे, लेकिन आपके पास लिस्ट सारी अवेलेबल आपको डिस्क्रिप्शन में हो जाएगी, वहाँ से सभी इक्वेशंस के फॉर्मूले, उनके यूनिट्स सब पता चल जाएंगे, वहाँ से आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले डायमेंशन एनालिसिस की डेफिनेशन क्या होती है डायमेंशन एनालिसिस की। देन इट इज़ द एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे कि फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, करंट हो गया, इस टाइप की जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं हमारी अलग अलग, उनके बीच में जो रिलेशन है उसको एस्टेब्लिश करता है। लेकिन रिलेशन उनका आपस में नहीं, बाय आइडेंटिफाई देयर बेस क्वांटिटीज़, कि जो हमने सात बेसिक क्वांटिटी पढ़ी थी ना, उनके साथ कैसे रिलेशन है उनके, भाई कौन कौन सी बेस क्वांटिटी को मिला के आपकी वो वाली क्वांटिटी बनी हुई, क्योंकि वो सारी डिराइव होंगी, वो सारी की सारी बेस क्वांटिटीज़ से बनी हुई डिराइव क्वांटिटीज़ होंगी हमारे पास। एंड यूनिट्स ऑफ द मेज़र, कि उनकी यूनिट्स के बारे में भी बताता है। डायमेंशन एनालिसिस क्या करता है, हमारी डायमेंशंस को ट्रैक करता है कैलकुलेशंस एंड कंपैरिजन के लिए, एंड हमारा एक्शन परफॉर्म करता है। अभी अगर बाय चांस कहीं पे पूछा जाए कि फैक्टर लेवल मेथड या यूनिट फैक्टर मेथड क्या होता है, तो ये भी इसी के नाम है। डोंट कंफ्यूज कि ये कुछ अलग अलग मेथड है, नहीं, डायमेंशन एनालिसिस को ही फैक्टर लेवल मेथड या यूनिट फैक्टर मेथड कहा जाता है। सो अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन की भी, मतलब क्या है क्या डायमेंशन एनालिसिस के अंदर, तो इसमें सिर्फ आपको रिप्रेजेंट अलग तरीके से करना होता है। जैसे मास है, मास, लेंथ और टाइम, ये तो मतलब सबसे बेसिक वाले, बिल्कुल टॉप मोस्ट बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, जो कि मोस्टली हर क्वांटिटीज़ में मिल जाती हैं। तो यहाँ से हमारा काम स्टार्ट हो जाता है डायमेंशन का। उसके लिए हमें क्या करना होगा, मास को हम लिखेंगे सिंपल कैपिटल एम से। जहाँ जहाँ मास होगा वहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल एम, जहाँ जहाँ लेंथ होगी सिंपल एल, टाइम के लिए टी। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं एरिया है, तो एरिया का फॉर्मूला हम सबको पता है, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये है हमारी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, एरिया क्या है हमारी फिजिकल क्वांटिटी, ओके। एंड ये दोनों उसके अंदर क्या है, बेस क्वांटिटीज़। अब दोनों क्या हैं, लेंथ ही हैं, चाहे वो लेंथ हुई या ब्रेथ है तो लेंथ ही। तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ के लिए भी कैपिटल एल, ब्रेथ के लिए भी कैपिटल एल। लेकिन डायमेंशन के अंदर आपको ध्यान क्या रखना है, आपको रखना है ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, ऐसे ब्रैकेट लगानी होती है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गए, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ऐसे आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगी, तो पावर टू। तो एरिया की डायमेंशन अगर हमसे कोई पूछे तो वो क्या होगी, एल स्क्वायर, ठीक। अभी अगर हम बात करें कि भाई यूज़ कहाँ पे होता है डायमेंशन का, तो डायमेंशन का यूज़ सीरियसली बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि फिजिक्स के अंदर आपको नहीं पता कि क्वांटिटी क्या है क्या नहीं है, आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो भी आप चेक कर सकते हो कि वो ठीक है या नहीं। कैसे, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन ए इक्वेशन। डायमेंशन एनालिसिस क्या करता है, होमोजेनिटी को बताता है कि भाई दोनों साइड सिचुएशन सेम है या नहीं, दोनों साइड डायमेंशन सेम होना ज़रूरी होता है। अब जैसे यहाँ पर एरिया की डायमेंशन, अभी आपने नया नया सीखा है तो आपको पता चल जाएगा एरिया की डायमेंशन होती है एल स्क्वायर, एंड यहाँ पर भी लेंथ एंड ब्रेथ दोनों क्या है, एल एंड एल, तो वहाँ पे भी क्या हो गया, एल स्केयर। या फिर रिड्यूसिंग रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज़। अब मान लेते हैं कि आपको फॉर्मूला ही नहीं गिवन, आपको सिर्फ बेस क्वांटिटीज़ दे रखी हैं। अब मान लेते हैं आपको एक बेस क्वांटिटीज़ दे रखी है डेंसिटी, कि भी डेंसिटी ना
डिपेंड करती है मास पे एंड वॉल्यूम पे। हमें नहीं पता कि इनके बीच में रिलेशन क्या है, भाई एम वाई वी है या क्या है। जनरली तो हमें पता है रिलेशन क्या होता है, डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन हमें ये गिवन नहीं है, हमें दे दिया मास की किसी ए पावर पे डिपेंड करती है एंड वॉल्यूम की बी पावर पे। अभी यहाँ से हम चेक कर सकते हैं मास के लिए हम क्या लिखेंगे, कैपिटल एम, ठीक है। वॉल्यूम के अंदर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों क्या है, डिस्टेंस ही है, लेंथ है, तो इनके लिए मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ, एल क्यूब। तो यानी कि रो की डायमेंशन क्या आ गई, एम, एल नीचे है तो ऊपर जाएगा तो माइनस फैक्टर, माइनस थ्री, तो रो की डायमेंशन एम एल माइनस थ्री, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि ये किस पे डिपेंड करता है, तो आप क्या करो, आपको इस क्वांटिटी की डायमेंशन पता होगी ऑलरेडी, तो यहाँ पे हमने डायमेंशन पुट की, ठीक है। इस डायरेक्शन में हमें क्या करना है, जो भी हमारी ये क्वांटिटीज़ हैं इनकी आप पर्टिकुलर डायमेंशन लिख लो। मास के लिए m, तो m की पावर a, वॉल्यूम लेंथ ब्रेथ हाइट वही, तो l, l की पावर क्या b। अब यहाँ से आपस में कंपैरिजन करो, ये हमने अभी डिराइव किया है तो हमें श्योर पता है कि ये फॉर्मूला सही है। अब यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि फॉर्मूला क्या आने वाला है। अब यहाँ पे m की पावर कितनी है, एक, इस साइड a, तो एक इसके इक्वल होगा वन के। यहाँ पे l की पावर माइनस थ्री b के इक्वल, तो इसका मतलब कि जो हमारा मास है उसकी तो पावर वन है एंड अपॉन लेंथ की पावर क्या है, थ्री। अब इसका मतलब हमारी जो रो है वो क्या होगी, m अपॉन l की क्यूब, एंड l की क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, v वॉल्यूम। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया कि फॉर्मूला क्या है, एम वाई वी। तो यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं कि हाँ ये फॉर्मूला सही है। अब या तो मतलब आपको या तो फॉर्मूला गिवन होगा, आपको डायमेंशन निकालनी होगी, या फिर डायमेंशन गिवन होगी तो आपको फॉर्मूला बताना होगा। फिर आते हैं यूनिट कन्वर्जन। आप यहाँ से यूनिट भी कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि दोनों साइड आपको पता चल जाती है कि वैल्यू क्या है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं डायमेंशन की। लिमिटेशन क्या है, इट डज नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डायमेंशन कॉन्स्टेंट, जो हमारे कॉन्स्टेंट होते हैं ना। लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं, लिमिटेशन क्या है कि डायमेंशन कॉन्स्टेंट के बारे में कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन मिलती हमें, क्योंकि कॉन्स्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, उनके लिए हम ज़ीरो रखते हैं। एंड अगर आपके ट्रिग्नोमेट्री लॉगरिथम ऐसे फंक्शन हैं तो आप वो डिराइव नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हमने जैसे डिराइव किया तो ये डायरेक्ट डायरेक्ट बेस क्वांटिटीज़ की फॉर्म में था, m बाय v की फॉर्म में। यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं था, जैसे 2, 3 कुछ मल्टीप्लाई में नहीं था, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। लेकिन कोई कांस्टेंट या कोई ऐसा फंक्शन आ गया तो हम डिराइव नहीं कर सकते। और ये किसी स्केलर या वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में कुछ नहीं कहता, क्योंकि डायमेंशन से स्केलर वेक्टर का कोई लेना देना नहीं होता। स्केलर क्या होता है, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है कि आपकी क्वांटिटी कितनी है, मान लेते हैं 3 kg है तो वो 3 पे डिपेंड करता है। लेकिन वेक्टर डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि भाई जैसे करंट है तो करंट इस डायरेक्शन से लेके इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वो वेक्टर होता है, ठीक है। तो अभी हम कुछ डील कर लेते हैं डायमेंशन फॉर्मूलेज के साथ। एरिया का अभी हमने देखा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो डायमेंशन क्या होगी इसकी, एल स्क्वायर, दोनों लेंथ है, ठीक है। और इस चीज़ को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, जनरली हमें लिखना होता है एम एल टी की फॉर्म में। तो अब एम और टी की वैल्यू नहीं है तो क्या लिख सकते हैं, एम ज़ीरो एल स्क्वायर टी ज़ीरो, ऐसे हम लिख सकते हैं। एंड फिर जब हमें पता चल गया कि इसकी डायमेंशन क्या है, एल स्क्वायर है, तो इसका मतलब यूनिट क्या होगी, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम लेंथ ब्रेथ हाइट, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, एल क्यूब, ठीक है। एंड यूनिट की बात की जाए तो मीटर क्यूब हो जाएगी, ओके। डेंसिटी अभी हमने डिराइव की, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, एंड उसकी डायमेंशन क्या आई थी, डायमेंशन क्या थी हमारी डेंसिटी की, एम एल माइनस थ्री। सो डेंसिटी की डायमेंशन क्या होगी, एम एल माइनस थ्री,
अभी ऐसे सिंपली लिख सकते हैं, कोई ये गलत नहीं होता, लेकिन जनरली MLT की फॉर्म में लिखा जाता है। अभी क्योंकि आपके लिए नया है तो जनरली मैं सिर्फ ये लिख के दिखा रही हूँ। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मास की यूनिट क्या होती है, kg, एंड लेंथ की मीटर, तो मीटर -3 पावर। ओके, अभी अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन यहीं पे अगर हमसे स्पीड की पूछी जाती है डायमेंशन, तो स्पीड भी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो ऊपर वाली चीज़ है वो तो क्या है, लेंथ में ही है, एंड नीचे टाइम। तो इसकी डायमेंशन तो क्या हो जाएगी, लेंथ टाइम की क्या होती है, टी। तो हमारी डायमेंशन क्या होगी, एल, टी नीचे है तो ऊपर आएगा, तो पावर क्या हो जाएगी, -1, LT -1। एंड तो फिर इसके अकॉर्डिंग इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड, क्योंकि लेंथ की मीटर एंड टाइम की क्या होगी, सेकंड। ओके, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अब जनरली हमें करना क्या होता है, अगर हमें एक क्वांटिटी की पता है ना, तो डायरेक्ट पुट कर दो बस। वेलोसिटी की अभी हमने देखा क्या है, LT -1, डायरेक्ट पुट करो, नीचे क्या है, टाइम। तो अब एक्सेलरेशन की क्या आ जाएगी, LT -2, क्योंकि एक -1 तो पहले ही साथ था, एंड एक टी और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी, -2। यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी अगर बात की जाए मोमेंटम की, तो मोमेंटम क्या होता है, MV, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास की क्या है, M, वेलोसिटी की क्या होती है, अभी हमने डील की थी, LT-1। तो एक्सेलरेशन की क्या होगी, MLT-1। तो सिंपल हमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ही करना होता है पावर का। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, लेंथ की मीटर, टाइम की पर सेकंड, तो क्या हो जाएगी, किलोमीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब नेक्स्ट होता है हमारा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, MVR। अभी आपको इनकेस किसी का फॉर्मूला नहीं पता है तो कोई इशू वाली बात नहीं है, यहाँ पे हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं डायमेंशन निकालने की। तो मास की क्या होती है यूनिट, M। वेलोसिटी की अभी हमने बात की, LT-1 होती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा R। R भी हमारी क्या होती है, रेडियस ही होती है, यानी कि ये भी किस में होगी, लेंथ में। तो LT-1 वेलोसिटी का, एंड एक और L किसका, हमारा रेडियस के लिए। तो टोटल डायमेंशन क्या आ गई, M, L का स्क्वायर, क्योंकि एक पावर यहाँ ऐड हो जाएंगी, एंड T की -1। ओके, तो यूनिट की बात की जाए तो यूनिट क्या आ जाएगी, किलोग्राम, मीटर का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि टाइम -1 था। ओके, फोर्स की बात की जाए, F=ma। मास की हमारी अगेन क्या होती है, M। एंड एक्सेलरेशन की अभी हमने देखी थी, LT-2, डायरेक्ट पुट करो, MLT-2, डायरेक्ट आ गई, क्या प्रॉब्लम थी। अब यूनिट की बात की जाए तो मास के लिए किलोग्राम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड जो फोर्स की है ये मोस्ट यूज़फुल है, मोस्टली यूज़ होती है, तो इसको याद रखना, ये इवन याद हो जाएगी कि डायरेक्ट याद रखोगे फोर्स की क्या होती है, MLT-2, बस ख़त्म। वर्क की बात की जाए, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट हमारी, तो इसकी यूनिट क्या होगी, डायमेंशन, लेंथ ही होगी। तो डायरेक्ट फोर्स वाली में आप क्या करो, लेंथ वाली ऐड करो, तो लेंथ वाली ऐड करेंगे तो पावर एक और बढ़ जाएगी लेंथ की, तो क्या हो जाएगी, ML²T-2। देख सकते हो ना फोर्स की क्या होती है, MLT-2, एंड साथ में हमारा क्या, S क्या होता है, L, तो पावर सिंपली क्या होगी, दोनों ऐड होगी। ओके, यूनिट हमारी फिर क्या हो जाएगी, ईजिली किलोग्राम, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ देखो, यहाँ पे आया कांस्टेंट 1/2, लेकिन मैंने पहले ही बताया था कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो डायमेंशन हम किसकी काउंट करेंगे, सिर्फ M एंड V स्क्वायर की। तो M, मास की डायमेंशन हमारी क्या होती है, M, V, यहाँ पे क्या है हमारी वेलोसिटी, वेलोसिटी की अभी हमने ऊपर देखी थी क्या थी, LT-1, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी का क्या है, स्क्वायर,
तो डायमेंशन का भी क्या हो जाएगा, स्केयर, तो नेट डायमेंशन क्या आएगी, एम एल का स्केयर टी की माइनस टू। अब इसके अकॉर्डिंग यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम, मीटर स्केयर, पर सेकंड स्केयर। एक चीज़ का ध्यान रखना, वर्क, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों की डायमेंशन सेम होती है। यहाँ देखो एम एल स्केयर टी माइनस टू, क्योंकि ये सारी की सारी क्या होती है, मतलब एनर्जी एक तरीके से। तो जो भी सेम क्वांटिटी होगी उसकी डायमेंशन भी सेम होगी। तो इसकी देख लेते हैं एक बार, एम जी एच, तो एम किसके अंदर होगा डायमेंशन, एम जी क्या होता है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन की अभी हमने बात की थी, क्या थी, एल टी माइनस टू, एंड एच की केस में अगेन एल, हाइट है तो लेंथ में ही जाएगी डायमेंशन, तो कितनी आ जाएगी, एल का वही हो गया ना स्केयर, तो एम एल स्केयर टी माइनस टू। तो यूनिट भी क्या हो जाएगी, सेम वही जो काइनेटिक एनर्जी की थी। फिर टॉर्क, टॉर्क क्या होता है हमारा, फोर्स, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की अभी हमने देखी थी क्या थी, मैंने बोला था ना याद रखने के, एम एल टी माइनस टू हो जाएगी याद, कोई इशू वाली बात नहीं है। एक बार आप निकालने की प्रैक्टिस करो, फिर इजीली आप अपने आप ही बता पाओगे। डिस्टेंस एल, तो टोटल कितनी होगी, एम एल स्केयर टी माइनस टू। अभी एक और चीज़ है जो आप यूनिट के लिए यूज़ कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट आप ऐसा यूनिट सिस्टम की ऐसी यूनिट रख लो, या फिर एक और तरीका, जैसे हमारा फोर्स होता है, तो जो फोर्स के लिए पर्टिकुलर ये यूनिट है ना, इसको फिर हमने एक और नाम दे रखा है कि ये चीज़ क्या है, न्यूटन। कि अगर हमसे पूछा जाए एक न्यूटन की वैल्यू कितनी है, तो एक न्यूटन का मतलब एक किलोग्राम, एक मीटर एंड पर सेकंड स्क्वायर। तो आप यहाँ से भी वही चीज़ यूज़ कर सकते हो कि फोर्स इंटू डिस्टेंस है, तो फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन, डिस्टेंस की क्या, मीटर। तो हमारी यूनिट हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, या तो आप इसके अकॉर्डिंग क्या लिखो, मीटर की किलोग्राम, लेंथ का मीटर स्क्वायर, टाइम का पर सेकंड स्क्वायर, या फिर आप क्या लिख सकते हो, न्यूटन मीटर। नेक्स्ट है पावर। पावर क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क की अभी हमने डिराइव की थी, वर्क की क्या आई थी, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो सिंपली पुट करो, अपॉन क्या करना है, सिर्फ टाइम। तो टाइम के केस में आप क्या करोगे, सिंपली लिख लो एम एल स्केयर टी माइनस टू अपॉन क्या है, टाइम। तो इसका मतलब टाइम फिर ऊपर जाएगा नेगेटिव पावर में, तो माइनस टू की जगह क्या हो जाएगा, पावर माइनस थ्री, क्योंकि माइनस टू पहले से है एंड माइनस वन जब ये ऊपर जाएगा। सो हमारी यहाँ पे यूनिट क्या आ जाएगी, सिंपली किलोग्राम, मीटर स्क्वायर, सेकंड पर क्यूब, और पावर के केस में हम यूनिट को बोलते हैं वॉट। तो ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू वॉट। एंड जैसे पावर के लिए हम वॉट यूज़ कर सकते हैं, वैसे ही वर्क के लिए हम एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ जूल। तो सिंपली फोर्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, न्यूटन, वर्क के लिए जूल, एंड पावर के लिए वॉट, जो कि बेसिकली हर जगह यूज़ की जाती है, लेकिन होती क्या है, ये बेस क्वांटिटीज़ की फॉर्म में ही होती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अभी नहीं जानते होगी, ज़्यादा टेंशन होने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ हम डायमेंशन डील कर रहे हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई, दैट इज़ इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। एम यहाँ पे मास है, आर हमारी फिर से वही लेंथ है, तो मास की डायमेंशन क्या होगी, एम, लेंथ के केस में एल स्क्वायर, सिंपली डायमेंशन क्या होगी, एम एल स्क्वायर। अभी देखो ये नहीं पता था फॉर्मूला क्या है, लेकिन सिर्फ ये पता होने पे कि डायमेंशन बेस क्वांटिटीज़ कौन कौन से हैं, आप इजीली डायमेंशन निकाल सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम, मीटर स्क्वायर, ओके। अब बात की जाए प्रेशर की, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की हमें पता है क्या आई थी, फोर्स की एम एल टी माइनस टू, एंड एरिया की एल स्क्वायर। तो डायरेक्ट डायरेक्ट पुट कर दो, एम एल टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर। अब ऊपर पावर वन है, नीचे टू है, ऊपर जाएगा तो माइनस टू, तो यानी कि एल की पावर कितनी हो जाएगी, ऊपर वन है नीचे से जाएगा तो माइनस टू,
तो क्या बचेगा माइनस वन, तो m l माइनस वन टी की माइनस टू, सिंपल। अब इसको वही आप या तो फोर्स के फॉर्म में लिख लो यूनिट को, फोर्स की क्या होती है न्यूटन। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पेसिफिक हीट की, तो हमारी स्पेसिफिक हीट होती है Q इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, एंड हमारी स्पेसिफिक हीट क्या होती है C। तो C को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, Q अपॉन एम डेल्टा टी। अब Q की डायमेंशन मैंने पहले ही ऐसे क्यों लिखी, क्योंकि Q क्या होती है हीट एनर्जी, और मैंने बोला था वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड इवन हीट, तो सबकी डायमेंशन क्या होती है एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू अपॉन नीचे क्या है m मास होगी डायमेंशन m, और ये एक नया फैक्टर आया दैट इज़ डेल्टा t, यहाँ पे ये टाइम नहीं टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर के लिए हम यूज़ करते हैं k। ऐसे ही अगर एम्पियर आ जाए तो एम्पियर के लिए आप क्या यूज़ करोगे a। तो यहाँ से हमारी स्पेसिफिक हीट की डायमेंशन क्या होगी, ऊपर भी वन है नीचे भी वन है, तो m की वैल्यू तो क्या होगी पावर ज़ीरो l की स्क्वेयर टी माइनस टू, एंड k भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वन। अब अगर इस फॉर्मूले से हम इसकी यूनिट पता करना चाहें, एनर्जी की फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं सिंपली जूल एंड अपॉन क्या है मास, तो मास किसके अंदर होगा किलोग्राम के अंदर, एंड टेम्परेचर हमारा केल्विन में, तो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। सीजीएस के अंदर जहाँ पे हम छोटी क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हैं वहाँ पे हम लिखते हैं कैलोरीज, क्योंकि जूल की जगह पे सीजीएस में क्या यूज़ करते हैं कैलोरीज अपॉन ग्राम, एंड केल्विन सेम एज इट इज़ रहता है। तो सीजीएस के अंदर अगर कोई पूछा जाए तो कैलोरीज पर ग्राम पर केल्विन लिख सकते हैं। सीजीएस का मतलब है जहाँ पे हम सी सेंटीमीटर लेंथ के लिए सेंटीमीटर यूज़ करते हैं, ग्राम मास के लिए, एंड सेकेंड टाइम के लिए। अभी नेक्स्ट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये हमारा सिंपल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वेयर, इसकी डायमेंशन निकालते हैं। तो फोर्स की हमें पता है, फोर्स की क्या थी एम एल टी माइनस टू, ठीक है, आर स्क्वेयर यानी कि लेंथ का स्क्वेयर, तो इसकी क्या होगी एल स्क्वेयर अपॉन नीचे एम वन, एक मास के लिए एम, सेकेंड मास के लिए भी क्या होगी एम, तो हमारे पास नेट रिजल्टेंट क्या बचा एम से, तो एक एम की कैंसिल होगी, ठीक है। जो लेंथ थी दो पावर यहाँ है एक पावर यहाँ है, तो एल की कितनी होगी थ्री, एक एम नीचे था तो इसका क्या चला जाएगा ऊपर माइनस में, एंड टी के केस में माइनस टू। अब इसकी डायमेंशन अगर हम निकालें इसकी यूनिट, तो सिंपली फोर्स वाली यूनिट यूज़ करते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं फोर्स के लिए क्या होता है न्यूटन, साथ में क्या है लेंथ का स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है मास, जो कि किस में मेज़र होता है किलोग्राम में, तो किलोग्राम स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लैंक कांस्टेंट की, तो प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है एनर्जी अपॉन फ्रिक्वेंसी, एनर्जी की लास्ट आई थी हमारी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, फ्रीक्वेंसी क्या होती है वन अपॉन टाइम पीरियड, यानी कि वन अपॉन टाइम इसकी यूनिट जाएगी, तो टाइम को मैं डायरेक्ट ऊपर भेज देती हूँ, तो टाइम, तो टोटल डायमेंशन हमारी कितनी आ गई एम एल स्क्वायर टी माइनस टू एंड प्लस वन, क्या बचा माइनस वन। ओके, यूनिट की बात की जाए तो एनर्जी की क्या बताई थी जूल, फ्रिक्वेंसी क्या है वन अपॉन टाइम यानी कि पर सेकेंड, तो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा जूल सेकेंड। अभी अगर हम बात करें गैस कांस्टेंट की, तो गैस कांस्टेंट हमारा किस तरह आता है P इज इक्वल्स टू एन आर टी, तो यहाँ से हमारा जो गैस कांस्टेंट है R, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी पी वी अपॉन एन टी, प्रेशर की हमें पता है वॉल्यूम की पता है, N हमारा होता है नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल्स के लिए हमारी बेस क्वांटिटी क्या थी मोल, एंड यहाँ पे हम जो यूज़ करेंगे डायमेंशन वो यूज़ करेंगे सिंपल मोल, एंड टेम्परेचर के लिए केल्विन हमने पहले देख लिया। तो मास प्रेशर की हमारी लास्ट क्या आई थी एम एल माइनस वन टी माइनस टू, तो डायरेक्ट पुट कर देते हैं
m l माइनस वन t माइनस टू इंटू वॉल्यूम है तो l क्यूब अपॉन नंबर ऑफ मोल्स के लिए मोल एंड टेम्परेचर के लिए केल्विन. तो डायरेक्ट क्या आ गई m l स्क्वायर t माइनस टू पर मोल पर केल्विन. एंड जो ऊपर हमारी क्वांटिटी बनती है पी वी ये सिंपली कंबाइन होकर क्या हो जाती है एनर्जी. तो हम इसकी यूनिट भी क्या लिख सकते हैं जूल पर मोल केल्विन. ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब और कुछ नहीं है, ग्रेडियंट का मतलब है पर यूनिट लेंथ. अब जिसका भी ग्रेडियंट बोलने को कह रखा है उसके डिवाइड में सिर्फ लेंथ कर दो. तो जैसे फोर्स ग्रेडियंट है तो फोर्स ग्रेडियंट क्या हो गया एफ बाई एल. फोर्स की क्या थी एम एल टी माइनस टू, लेंथ की एल. तो डायमेंशन क्या आ गई एम एल ज़ीरो टी माइनस टू. यूनिट की बात की जाए तो फोर्स की क्या थी न्यूटन अपॉन मीटर क्योंकि बाई एल है. अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की निकाले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी फोर्स क्या था एम एल टी माइनस टू अपॉन क्यू चार्ज की. अभी हमने देखी ए टी तो क्या आ गया हमारे पास एम एल टी माइनस थ्री एंड ए माइनस वन. अब यूनिट की बात की फोर्स की क्या होती है न्यूटन. तो न्यूटन अपॉन चार्ज है तो अपॉन कूलम तो न्यूटन पर कूलम. तो इस तरीके से हमने तो इजी टू डिफ़िकल्ट कई सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन हमने यहाँ पे डिराइव की. सो इस तरीके से हम हर फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन निकाल सकते हैं बड़े इजीली. आप एक बार खुद से सबकी प्रैक्टिस करें, सबको डिराइव करके देखें. अगर किसी में भी कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, तो आप कमेंट करके ईजिली पूछ सकते हैं. यहाँ पर जो कराया गया आई थिंक वो तो समझ में आ गया होगा. अब और भी काफ़ी सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, नियरली हमने बेसिक सब डील कर लिया है. उन सब की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लेना एंड डायमेंशन आपका कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.